जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। लाइफ कीपर में आपका स्वागत है। साथियों, मनुष्य का जीवन अनुभूतियों के सतत प्रवाह और उनके द्वारा क्रियान्वित कार्यों के आधार पर चलता है। अधिकतर समय हमारी अनुभूति किसी विशेष दिशा में जाना चाहती है। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और यदि असफलता मिले तो दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख की यही परिभाषा है। प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है, यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है, और अगर न मिले तो दुखी हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी कई ऐसी बातों को बताया गया है। इन बातों को अपनाने के बाद जीवन में दुखों को कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि इन मनुष्यों के जीवन में दुखों के कई कारण होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए तो दुखों को कम किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसी प्रकार की कुछ बातों का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि जिस प्रकार जो गाय दूध नहीं देती है वो उसके पालने वाले से बहुत परेशानी पाती है, लेकिन जो गाय अच्छे से दूध देती है उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। यही बात मालिक और नौकर में साबित होती है। कहा जाता है कि जो नौकर मालिक की उम्मीदों पर खरा उतरता है वो हमेशा सुख पाता है। संतान की सही देखभाल न करने वाले जो लोग संतान की सही से देखभाल नहीं करते हैं, उनकी संतान में कई प्रकार की कुरीतियां जन्म ले लेती हैं। आगे चलकर ऐसी संतान माता पिता को दुख देती है। जो भी पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी खुशियां नहीं रहती हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनी मनुष्य बनना चाहता है। यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो वह सुखी होगा, और यदि असफल रहता है तो दुखी। दोनों दशाओं में सुख और दुख की शर्त एक ही है। कोई अनुभूति वांछित दिशा में जा सकती है या नहीं। अनुभूति किसी भी दिशा में न जाना चाहे उससे हमें न सुख मिलता है न दुख। जब तक हमारी अनुभूतियां दिशागत हैं, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी अनुभूतियों की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती है। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख और बहुत सा दुख, यह हमारे जीवन के प्रवाह का सामान्य रूप है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस प्रकार की दिशाओं में गति करना चाह रही है। जो अनुभूति किसी भी दिशा में न जाना चाहे उससे हमें न सुख मिलता है न दुख। जब तक हमारी अनुभूतियां दिशागत हैं, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी अनुभूतियों की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती है। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख और बहुत सा दुख, यह हमारे जीवन के प्रवाह का सामान्य रूप है। निरंतर अपनी अनुभूतियों, विचारों और उनके परिणाम स्वरूप होने वाले कर्मों के बंधन में है। सब मनुष्यों की अनुभूतियां भिन्न भिन्न न होती हैं, इसलिए वे भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। कोई संत अपने अंदर पापी व्यक्ति की अनुभूतियां नहीं जगा सकता और न पापी व्यक्ति संत की अनुभूतियां। सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं, जो उनके अंदर विद्यमान अनुभूतियों से निर्धारित होता है, और ये अनुभूतियां किसी ऐसी शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती हैं जिस पर उनका कोई बस नहीं है। दूसरे शब्दों में, जिसे मनुष्य अपना जीवन कहता है वह किसी और शक्ति के द्वारा जिया जा रहा है। होना भी ऐसा ही चाहिए। हम में से किसी का भी इस संसार में पैदा होने में कोई हाथ नहीं था, इसलिए जिसे हम अपना जीवन कहते हैं वह हमसे ऊपर की किसी शक्ति का खेल है। गीता कहती है, परमात्मा सब प्राणियों के अंदर निवास करता है। वह सभी प्राणियों को ऐसे घुमा रहा है मानो वे यंत्र चालित हों।
हम अपने जीवन को इस विशाल परिप्रेक्ष्य में देखकर ही समझ सकते हैं। जीवन की दौड़ भाग से ऊपर उठकर अपने मूल रूप को जानने की स्थायी शांति और सुख और सच्ची स्वतंत्रता पाने की अभिलाषा जगती है। मित्रों, भगवद गीता का कहना है कि यह अभिलाषा तभी पूरी होगी जब मनुष्य अपने जीवन के मूल स्रोत की ओर जाए, जो अपरिवर्तनशील और शाश्वत विश्व चैतन्य में है। पर अपने अंदर विद्यमान दिव्य तत्व तक पहुंचा कैसे जाए? अवश्य ही पहली बात तो यह समझने की है कि जिन्हें हम अपने कर्म कहते हैं, वे हमसे ऊपर की किसी शक्ति द्वारा किए जा रहे हैं। पर हमें लगता तो यह है कि अपने सभी काम हम स्वयं कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और जब भी हमारे कर्मों का कोई अच्छा परिणाम निकलता है तो हम उसका श्रेय लेना चाहते हैं। हमारी सारी न्याय व्यवस्था इसी धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। गीता के अनुसार ऐसा हमें इसलिए प्रतीत होता है कि हमारी दृष्टि अहंकार से आच्छादित है और हमें इस अहंकार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के सहारे उसे समझा जा सकता है, जिसे हम अपना आपा या अस्मिता कहते हैं। मनुष्य को कर्मफल का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख में एक समान रहने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। सुख और दुख तो मनुष्य के जीवन में धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। सच्चा व्यक्ति वही व्यक्ति है जो सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करे। मनुष्य को हर कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए। यदि मनुष्य इस धारणा से कर्म करेगा तो उसकी ममता धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी और उसका मन निर्मल और शुद्ध होने के साथ साथ उसमें भक्ति रस भी उत्पन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य गंदे कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जीवन और मरण तो निश्चित प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। दोस्तों, शास्त्रों में कई जगह बताया गया है, जो लोग दूसरे के घर में रहते हैं या दूसरे की कमाई पर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। और जो लोग पैसा होने के बावजूद भी धन का दान नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हमेशा दुखी रहते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।